हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। विक्रम के जवाब से संतुष्ट बैताल फिर उड़ा और अपनी डाल पर जाकर लटक गया। जिद्दी विक्रम ने फिर उसका पीछा किया, फिर उससे लड़ा, उसे अपने वश में किया और चल पड़ा। सदा की तरह इस बार भी बैताल ने विक्रम को एक कहानी सुनानी शुरू की। चित्रकूट नगर का राजा रूपदत्त एक बार जंगल में गया तो वहां उसे एक सुंदर कन्या मिली। लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? अरे सुनो, बाबू, बाबू, क्या हुआ बेटी? बाबू, एक घुड़सवार मेरा पीछा कर रहा है, पता नहीं वो कौन है। महाराज आप? हाँ हम, आपकी सुंदर लड़की हमें यहां तक खींच लाई। महाराज आपको देख के डर गई है। डरने की कोई बात नहीं, आपकी कन्या हमारे महल की रानी बनेगी, हम उससे विवाह करेंगे। आपको ये रिश्ता पसंद है? हमारे अहोभाग्य महाराज। राजा रूपदत्त उस सुंदर कन्या से विवाह करने के बाद अपनी राजधानी चित्रकूट लौट रहा था। तभी रास्ते में दोनों को प्यास लगी। पानी की खोज करते हुए वो एक गुफा में आ पहुंचे। तभी मार के खा जाऊंगा। आप मुझे मत मारिए, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं राजा रूपदत्त हूँ। तू राजा है? राजा है तू? आज मैं राजा को खा जाऊंगा, क्योंकि राजा की और मनुष्य के मांस में कोई फर्क नहीं होता है।
और उसका स्वाद भी मनुष्य की तरह होता है। आप तो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे प्राण मत लीजिए। जो मुझे मिलना था मुझे मिल गया, मेरा भोजन मुझे मिल गया, मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम नहीं तो मैं इसे खा जाऊंगा। इसे छोड़ दीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए, मैं आपको भोजन दूंगा। मुझे मनुष्य चाहिए। मैं आपको मनुष्य दूंगा, मैं वचन देता हूँ, मैं मनुष्य भेजूंगा, मैं वचन देता हूँ। जा राजा जा, आज से 7 दिन के अंदर मेरा भोजन मुझे यहाँ मिलना चाहिए, नहीं तो मैं चित्रकूट में आके तुम दोनों को खा जाऊंगा। जा। मैं वचन देता हूँ, मैं 7 दिन में आपको मनुष्य भेजूंगा। मंत्री जी। जी महाराज। केवल 6 दिन रह गए हैं, आज से 6ठे दिन वो राक्षस आ जाएगा। मुझे तो सोच सोच कर भी डर लग रहा है। घबराने की कोई बात नहीं, कोई ना कोई व्यवस्था तो हो ही जाएगी। मंत्री जी। जी महाराज। क्या सोचा आपने? किसी न किसी तरह हमें एक व्यक्ति को तैयार करना होगा जो राक्षस का भोजन बन सके। बड़ा कठिन है महाराज, भला कौन स्वयं को मृत्यु के हवाले करना चाहता है? धन का लालच, केवल धन का लालच ही किसी को मृत्यु की तरफ आकर्षित कर सकता है। आप जितना धन चाहे हमारे राजकोष से ले सकते हैं, लेकिन किसी तरह हमारे प्राण बचाइए। वाह मंत्री जी वाह, इतना धन, इतने आभूषण और इतना सारा सोना इस मूर्ति में, ये लालच तो किसी को भी खींच कर ला सकता है। आप ये सब ले जाकर नगर के चौक में रख दो और ये घोषणा करवा दो कि जो भी राक्षस का भोजन बनने के लिए तैयार हो वो ये सारा धन ले जा सकता है। राजा की आज्ञा के अनुसार वो बहुमूल्य पुतला नगर के चौक में खड़ा कर दिया गया और घोषणा कर दी गई। सुनो 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 सुनो, महाराजा रूपदत्त ने राक्षस को वचन दिया है कि आज से 5 दिन बाद वे उसे एक मनुष्य की बलि भोजन के लिए देंगे। जो व्यक्ति स्वयं या अपने रिश्ते नाते के किसी व्यक्ति को राक्षस का भोजन बनाने के लिए तैयार हो, वो इस रत्न जड़ित सोने के पुतले और सारे धन को ले जा सकता है। इतना धन, इतना धन जिसे मिलेगा वो तो बड़ा धनवान हो जाएगा। अरे हो तो जावेगा, मगर जीवित ना रहेगा, फिर ऐसे धन का क्या लाभ? देखो भाइयों, मैं तो धन की लालच में फंसने की सलाह किसी को नहीं दूंगा। अरे भाई, जब जीना नहीं है तो इतने धन का क्या लाभ होगा? अब तक कोई नहीं आया। आज का दिन भी बीत गया है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देना
दो ना। कहाँ से दू? 100 बार तो कह दिया नहीं है खाने को, तो देख लो और दो ना। कहाँ से लाऊं मैं खाना? जो था वो तो दे दिया। मेरे खाना दे। अरे मत करो मत करो, क्या कर रहे हो ये तुम लोग? रोज यही होता है, जितना भी लाकर डालो इनके पेट में कम पड़ता है। अरे मर जाओ, क्या रखा है इस जिंदगी में? रोज भीख मांग के कितना भी लाऊं, ये गरीबी मिटने वाली नहीं है। रोज इसी तरह रोटी के टुकड़ों के लिए लड़ते रहना। अरे मर जाओगे ऐसे ही रोते रोते। अब बस भी करो, जब देखो तब बड़बड़। ये तो चलता ही रहेगा। अरे इनमें से एक चाहे तो सारे घर को सुख दे सकता है, पीढ़ियों के दलिद्र मिट जाएं, रोज रोज रोटी मिले, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले, सुख से रहें। राजा ने खड़ा किया है चौक पे सोने हीरे का पुतला, इनमें से एक मरने को तैयार हो जाए तो जन्म जन्म का शाप मिट जाए। अरे ऐसे भी जी के क्या कर लोगे? मर जाओगे तो कम से कम दूसरों को सुख तो मिलेगा। मैं तैयार हूँ बापू, राक्षस का भोजन बनने के लिए। मुझे दे दीजिए वहां, और वो सोने का पुतला ले आए बापू।
मैं नहीं मरूंगा, मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं ऐसे नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा। राजा का वादा मुझे याद आया, आज वो मुझे भोजन भेजेगा। राजा ने मुझसे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर अंदर वो मुझे भोजन भेजेगा। इतनी कहानी सुनाने के बाद बैताल ने विक्रम से एक प्रश्न किया, ये बता विक्रम कि वो लड़का हंसा क्यों और
रोया क्यों? जल्दी बता वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ बेताल, लड़का जिस कारण से हंसा उसी कारण से रोया भी। वो सोच रहा था कि जिस राजा को राक्षस से मेरी रक्षा करनी चाहिए थी वो उसी राक्षस को मेरी बलि दे रहा है। जिस माता पिता को मेरा पालन पोषण करना चाहिए था वो मुझे धन के लालच में बेचकर चले गए। सच है, मनुष्य को अपने भाग्य की लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है। इसी बात ने उसे प्रेरणा दी, वो राक्षस से भिड़ गया और विजयी हुआ। बहुत बुद्धि वाला है। अरे तेरा जैसा ना राजा बुद्धि वाला हुआ, ना न्याय वाला हुआ, ना कभी होगा। कहा तो ठीक मगर कहा क्यों? अरे तू बोला और मैं चला, मैं ये चला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम भाग जा, मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महा झूठ है। Come on.